नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मुस्कान मालाकार। आप पर बरसता रहे लोगों का प्यार और आप देखते रहें CFM न्यूज़ हर बार, जिसका है आप लोगों को हमेशा इंतजार। लगी जा गले की फेरी, हसी रात हो ना हो, शायद फिरी से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स क्या है? एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है कि सर, इसमें हमारा 3 डिवीज़न चल रहा है, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो मैं बेंगोल आर्ट कॉलेज से BFA फाइन आर्ट का मैंने ग्रेजुएशन डिग्री मैंने कंप्लीट की है। ये कब से चला रहे हो? ये लगभग तो सर 16 ईयर, जब मैं क्लास 8 में था तब से मैं ये क्लासेस चला रहा हूँ। बट जब मैंने आर्ट कॉलेज कंप्लीट की तो मेरे को और थोड़ा हौसला मिला, बड़े बड़े आर्टिस्टों लोग के साथ काम करने के बाद, नेशनल किन आर्टिस्टों इंटरनेशनल। के साथ काम किया हो? ये सर, मैं आपका कोलकाता के जो हमारे सुमंतो मुखर्जी हैं, जो फाइन आर्ट के क्रिटिकेट है, वो बहुत अच्छे पोजीशन पे, और जो भी एग्जीबिशन होते हैं हम लोगों को देखने के लिए आते हैं। और आपका यहाँ पे आप क्या क्या कोर्स कराते हो? क्या फाइन आर्ट्स क्या कराती है आपके नए टैलेंट को उभारने के लिए? यहाँ पर सर, कोशिश हमारी रहती है कि जैसे बच्चों लोग के बीच में जिनके अंदर टैलेंट है, देख रहा हूँ गरीबी के कारण वो नहीं उभर पा रहे हैं, तो अपनी तरफ से एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स उसको सहयोग भी देती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो नहीं कर पाते हैं, तो उनको फुल सहयोग देने के बाद कोशिश रहती है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि टैलेंट तो सर गरीबों में है, लेकिन पैसे के कारण या उनको प्लेटफॉर्म उभर नहीं नहीं मिल पा पड़ा। रही है, उभर नहीं पा रहा ऐसा है। कोई टैलेंट आपके सामने उभर गया है जिसको आप आगे बढ़ाए हो बिल्कुल जो? सर, एक हमारी मरियम शेख जी नाम की है, जो पेंटिंग में, जैसे कि मैंने बताया, 4,72,000 में से वो 40 पोजीशन भारत कला केंद्र में रही है, और उनको बिरला एकेडमी में बुला के सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंट हमारी पंचित की एक मीठी नाम की लड़की है, जो कि बहुत अच्छी 5 ईयर्स की है, डांस करती है। धनबाद में उसका ऑडिशन हुआ है और वो क्वार्टर फाइनल के लिए जमशेदपुर में सिलेक्शन हुई है आपके साथ में जो लोग बैठे हुए ये लोग कौन कौन से फ्रेंड हाँ, मैं इनका पड़ोसी परिचय दे रहा हूँ। ये हमारा फ्रेंड इसराइल खान, ये हमारी स्टूडेंट्स मुस्कान मालाकार, जो कि बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, और सारेगामापा वगैरह वगैरह में जो भी रियलिटी शो है इनकी तैयारी कर रही है। और ये अजय चक्रवर्ती, जो कि कोलकाता के बहुत फेमस सिंगर है, उनके बेस्ट स्टूडेंट प्रदीप कर्मकार जी से अभी क्लासिकल की शिक्षा ले रही है। ये हमारे फ्रेंड राजवीर, ये भी सिंगर है, वो भी सिंगर है, मतलब हम लोगों का जितने भी रिलेशन मतलब है। बहुत आप लोग सिंगर सब बिल्कुल सब बिल्कुल सिंगर हो। बिल्कुल आप तो डायरेक्टर भी हो, सिंगर भी हो, बहुत क्रिएटिव लोग हैं आप। हम चाहते हैं कि दो चार अगर कोई ऐसा गाना है आप गाएं जो हमारे दर्शक को थोड़ा हौसला मिले जिंदगी जीने का, अगर ऐसा कुछ गाना है तो आप गाओ ना। जरूर सर, हमारा आइडल आपका किशोर साहब है, मैं उनका एक गीत गाने की कोशिश कर रहा हूँ। आंचल के तले मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आंचल के तले मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले,
जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मोहम्मद इसराइल खान। अच्छा, आप सिंगिंग का शौक रखते हो? जी। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ गाएं आप, जो आपको पसंद लगता हो। जी, तो मैंने एक फेवरेट सॉन्ग अपना जी मोहम्मद रफी साहब का जी जो आपके सामने। चलिए, आप उनको डेडिकेट कीजिए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुस्कान मालाकार। अच्छा, अभी पढ़ते हो? हाँ, अभी मैं क्लास 10 में हूँ। अच्छा, किस स्कूल पढ़ते हो? नंदलाल इंस्टीट्यूशन, ये चिरकुंडा में है। अच्छा, आप गाते भी हो, सिंगिंग करते हो? हाँ। कैसे आपको समझ में आ जाए गाना चाहिए? जब असल में मैं अपने अंकल से इंस्पायर हुई सिंगिंग के लिए। जब मैं बहुत छोटी थी तो अंकल जो थे वो, उनका भी एक शौक था सिंगिंग करने का, तो मैं बस देखती रहती थी कि ये सिंगिंग अंकल करते हैं। मैं बैठकर देखती रहती थी किस तरह से ये करते हैं, इनका स्टाइल क्या है। तो इनको देखकर मेरे अंदर भी एक शौक जगा, मेरे भी एक उत्साह है कि मैं भी करूँगी। तो बचपन से ये करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने अभी तक तो मैंने अपना स्टार्टिंग अपने स्कूल का प्रोग्राम से किया था, और अभी तक मैंने बंगाल में, झारखंड में कई तरह, जैसे कुल्टी में, आसनसोल में, नियामतपुर में, कई जगह में प्रोग्राम किए हैं। आप गाते भी हो? हाँ। दर्शकों के लिए कुछ गाओ जो तुमको पसंद हो। जी, मेरा आइडल लता जी और आशा जी, ये दोनों सिंगर्स को मैं टच करती हूँ। तो मैं लता जी के एक बहुत बहुत फेमस सॉन्ग है एक दूजे के लिए फिल्म का, गायन का और नृत्य का। तो क्या कर रहे हो? ये सर मैं कर रहा हूँ आपको 15 सितंबर को। क्या है सर, ने शेड्यूल किया है प्रोग्राम का? प्रोग्राम का शेड्यूल एक सर कि मैं तो पहले बताया कि पहले हमारे जो भी बच्चे हैं उनको मैं टैलेंट को स्टेज पे ला रहा हूँ कि लोग जाने कि बच्चों लोग में टैलेंट छुपी हुई है, उनको मैं हौसला बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम को कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहे हैं प्रोग्राम? ये बस हमारा सोना डंगल का जो ग्राउंड है, जस्ट शनि मंदिर के बगल में, मैं सर वहीं पर कर रहा हूँ। कितने लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? देखिए सर, अभी तक मेरे पास कॉलिंग गायन का 50 से अभव हो गया है और नृत्य का भी 50 से अभव हो गया है। तो अब ऑन स्पॉट पे देखना है कि हमारे कितने का फीस उस पर रखे आप लोग? हाँ सर, मैंने एक मिनिमम फीस रखा है प्रोग्राम को संचालित करने के लिए, आपको 101 है सर। जो कामयाब हो क्या दीजिएगा उन लोगों को? सर मैं, हमारा जो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट है, जो हमारा रजिस्टर्ड इंटरनेशनल है, उस लेवल को लेकर मैं एक मोमेंटो तैयार कर रहा हूँ। ऐसा मैं प्राइज देना चाह रहा हूँ कि सर जो प्रतिभागी लें तो उनको लगे कि नहीं, हमको बहुत जगह से ये बहुत अच्छा चीज़ सम्मानित मिला है। बाहर के लोग जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, किससे कॉन्टेक्ट करें, कहाँ आकर मिलें? उनके लिए सर मैंने फेसबुक पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक कैरोके गायन प्रतियोगिता के रूप में मैंने पोस्ट किया है, वो कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकर वो फ़ोन कर रहे हैं या फ़ोन कर सकते हैं, या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी आकर कर सकते हैं। अच्छा, और जज क्या बाहर के आ रहे हैं ना, सब लोकल जज रहे हैं? नहीं सर, जजमेंट तो मैं बाहर से ही, बाहर कुछ के कुछ खास लोग आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जो जज मैं बाहर के ही बुला रहा हूँ, कुछ खास हमारे जज हैं कि जो कि एकदम बहुत बारीकियाँ आपका नृत्य में भी और गायन में भी जो है बारीकियाँ पकड़ के वो करेंगे और ईमानदारी के साथ उनका जजमेंट करेंगे सर। इसके बाद क्या प्रोग्राम है आपका, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं?
फ्यूचर में सर ऐसे हमारा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स हमेशा नेशनल लेवल का आर्ट वर्कशॉप प्रेजेंट करती है। उसमें से हमारे बाहर के जितने भी दिग्गज आर्टिस्ट लोग हैं, पेंटर लोग, मैं उनको हर साल बुलाता हूँ। चैलेंजिंग कितना है आपके दौर में अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए? सर कोशिश तो है कि मैं जो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, टीवी लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं सिस्टम से वो घबरा जा रहे हैं या वो सिस्टम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, उस बच्चे को मैं वहां तक लेकर पहुंचाने के लिए सर रात दिन प्रयत्न कोशिश कर रहा हूं। आपने बेटा हम लोग अच्छा गाना सुनाया, फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हो? मेरा तो एम ही है एक बहुत अच्छा ग्रेट प्लेबैक सिंगर बनना। मैं भी उस मुकाम तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं अपना आवाज अपने देश के लोगों को सभी तक के दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। ट्रेनिंग कहीं कर रही हो क्या? हाँ, अच्छा, कौन तुम्हारे टीचर हुआ? मैं तो सबसे पहले अपने अंकल को ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बचपन से इन्हीं से सीखा है और मुझे मेरे अंकल के साथ साथ बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिला है। इज़राइल अंकल और भी सभी अंकल ने मुझे सपोर्ट किया। और अभी मैं क्लासिकल के लिए नियामतपुर के एक बहुत ही फेमस सिंगर है जो अजय चक्रवर्ती के बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, प्रदीप कर्मकार, मैं उन्हीं से क्लासिकल का क्लास ले रही हूँ। अच्छा, तो क्या नए गीत भी गाते हो? हाँ, मैं न्यू में श्रेया घोषाल, तुलसी कुमार, ये सभी के सॉन्ग को भी गाती हूँ। चलो एक तो नया सॉन्ग सुनाओ। तो मैं श्रेया घोषाल जी का एक ठीक ठीक हो मंजिले रुसवा सुने।